दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक ऐसा तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य ही हमारी धरती को गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता है। सूर्य के बिना हम इंसान, या यूं कहें कि हमारे आसपास के जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, या यूं कहे कि एक साल के लिए, तो फिर क्या होगा? क्या हम इंसान, पेड़ पौधे और छोटे बड़े जीव जंतु सूरज की रोशनी के बिना जी पाएंगे? हमारी पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये काल्पनिक तो जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर ये असल में हो गया तो फिर क्या होगा? तो चलिए इस अद्भुत अमेजिंग घटना पर, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मून के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर है कि ये स्पेसशिप दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का है, जो कि सूरज को लेने आए हैं। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एलियंस सूरज को अपने सौरमंडल में ले जा रहे हैं। जैसे ही एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सभी ग्रह, जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सब अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए। अब ये ग्रह अंतरिक्ष में दूर इधर उधर घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में धरती बिना किसी सूरज के कंट्रोल के तैरने लगी है। वहीं दूसरी साइड धरती पर किसी को पता नहीं कि सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को किसी ने चुरा लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया है। अचानक से 1 सेकंड में रात, आसमान के सारे तारे साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि अब सूरज को कोई प्रकाश नहीं है जो तारों को ढक पाए। चंद्रमा और बाकी के ग्रह भी दिखाई देना बंद हो गए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तभी वो हमें दिखाई देता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। इस घटना का सबसे पहले असर पेड़ पौधों पर पड़ा, जो सूरज की लाइट की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जिंदा रहते थे। जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है, पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोड है उसके चलते धरती कुछ जगहों पर अभी भी गर्म बनी हुई है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, हर कोई सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहा है। और ये क्या, सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सूरज नहीं निकला। अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है, कुछ जानवर कमजोर होना शुरू हो गए हैं, सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समुद्र के अंदर कुछ जीव हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं बदला, उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। सूरज को गायब हुए 10 दिन बीत चुके हैं, सभी को लगता है शायद अब सूरज निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तापमान -डिग्री में चला गया, -25 डिग्री सेल्सियस, जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है। अब पूरी दुनिया का तापमान -25 डिग्री है, इसलिए पानी अब तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी, इंटरनेट अचानक से बंद हो चुकी हैं, क्योंकि सैटेलाइट, जिसे सूरज से पावर मिलती थी, सूरज के अचानक गायब हो जाने पर उनकी पावर ऑफ हो चुकी है। -25 डिग्री के तापमान के कारण से सारे डैम का पानी बर्फ बन चुका है, जिसके कारण से बिजली गुल हो चुकी है। इसलिए अब मोबाइल फोन और अन्य जरूरी गैजेट ने भी काम करना बंद कर लिया है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका है, धरती ठंडी से और ज्यादा ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। 1 साल बाद धरती पर जो जीवन बचा हुआ था वो अब तक खत्म हो चुका है। धरती पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। अब जहाँ भी देखो वहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी लेयर जम चुकी है। सूरज को गायब हुए 1000 साल बीत चुका है, सूरज अभी तक नहीं निकला। धरती पर ऑक्सीजन अब ना के बराबर है। धरती का तापमान करीब -200 डिग्री तक पहुँच चुका है। धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुँच गई है। सौरमंडल के अन्य ग्रह भी एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो गए हैं। धरती तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉइड धरती से टकराना शुरू हो गई है, और हमारी धरती नष्ट हो चुकी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी एक चीज खत्म नहीं हुआ है, वो है फैक्ट ट्यूबर का सब्सक्राइब बटन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।